राजस्थानी युवा संघ द्वारा सूरत ना गोडाद्रा विस्तार में आवेला तुलसी पार्टी प्लॉट में 3 दिवस माटे फगोत्सव नु आयोजन करायो हतो। पहला 6 दिवसे डांगना आदिवासी कलाकारों द्वारा नृत्य अने राजस्थान ना कलाकारों एक ज मंच पर पोताना नृत्य दर्शाव्या हता। आकर्षण केन्द्र पण बन्युं। 3 दिवस ना कार्यक्रम में सूरत में वसता हजारों नी संख्या में राजस्थानी समाज ना लोको जोड़ा हता। राजस्थानी युवा संघ द्वारा दर वर्षे जेम आ वर्षे पण होळीना तहेवारनी उजवणी थई रही छे त्यारे कार्यक्रममां आंतरराष्ट्रीय कलाकार अने पद्मश्री गुलाबो सपेरा सूरतना मेहमान बन्या। 2016 गुलाबोजीने पद्मश्री अने नृत्य माटे आપવામાં આવ્યો હોય તેમનું જીવન ખૂબ સંઘર્ષમય રહ્યું। તેમના જન્મ તરત પછી તેના સમુદાયની મહિલાઓ દ્વારા તેમને જીવતી દફનાવવામાં આવ્યા હતા। 5 કલાક બાદ તેમની માતા અને કાકી દ્વારા તેમને બચાવાયા। વિશ્વવિખ્યાત લોક કલાકાર શિક્ષક અને મહિલા અધિકાર કાર્યકર્તાઓ છે। તેણીએ વર્ષ 2016 ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર પદ્મશ્રી સહિત અનેક પુરસ્કારો પણ જીત્યા છે। મારો નામ શ્યામ રાઠી હે, મેં રાજસ્થાન યુવા સંઘ કા પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ હું ઓર ઇસ પ્રોગ્રામ કા સંયોજક હું। રાજસ્થાન યુવા સંઘ પિછલે 33 સાલ સે માનવ સેવા ગૌ સેવા કા ઓર ચિકિત્સા ક્ષેત્ર મેં કામ કરતા આયા હે। આજ કા જો પ્રોગ્રામ હે હમારા એક સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ હે જિસમેં भारत रत्न से सम्मानित गुलाबो सपेरा का कार्यक्रम होने जा रहा है और विशेषकर ये जो प्रोग्राम इस साल का है इसमें गुजराती संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति का समागम है, मिश्रण किया है। गुजराती संस्कृति को भी इसमें हमने सम्मिलित किया है और हम लोग यहाँ 3-4 पीढ़ियों से यहाँ गुजराती मारवाड़ी जो बोल सकते हैं गुजरात में है और सूरती मारवाड़ी जो हमारे अध्यक्ष श्री ने नया नाम दिया है सूरती मारवाड़ी, तो सूरती मारवाड़ी के नाम से हमारी पहचान हो चुकी है। और सेवा के कार्य में यहाँ खाली व्यापार करने आए, सेवा के कार्य चाहे कोरोना हो चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो राजस्थान युवा संघ के कार्यकर्ता हमेशा आगे रहते हैं। राजस्थान युवा संघ की पहचान ही उसके कार्यकर्ताओं से है। माई पीपल इज माई कैपिटल, हमारा लोगो है, हमारे आदमी हमारी पूंजी है। जय जय राजस्थान, जय जय गरवी गुजरात। मैं राजस्थान युवा संघ संगठन मति शक्ति सिंह तंवर यहाँ पे तुलसी पार्टी प्लॉट गोडोदरा विस्तार के अंदर बहुत ही बड़ा विशाल जनसमूह यहाँ पे दे कार्यक्रम को पद्मश्री अवार्ड गुलाबजी को देखने के लिए यहाँ पे विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ है। आप सभी कार्यक्रम में पधार करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय गरवी गुजरात। मेरा नाम विनोद सारस्वत है, मैं राजस्थान युवा संघ का कोषाध्यक्ष। ये आयोजन पिछले 33 वर्ष से हो रहा है, अभी 3 दिन से ये आयोजन हो रहा है। हजारों की संख्या में कार्यक्रम देखने के लिए माताएं बहनें आती है। हमारा उद्देश्य यही है, मानव सेवा, गौ सेवा। अभी राजस्थान युवा संघ चाइल्ड हॉस्पिटल चल रहा है, रोज की उसमें 300 से 500 OPD होती है MBBS MD डॉक्टरों के द्वारा, और एकदम किफ़ायती दर में सभी लोग फ़ायदा लेते हैं। हार्ट का भी चेकिंग होता है, एक्सरे वक्सरे सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है, और आगे भी ऐसा हमारा उद्देश्य है। बड़ी हॉस्पिटल जो जिसमें क्या है 10 बेड का 20 बेड की ऐसी व्यवस्था हो सके, इस टाइप का हमारा संकल्प है। और ऐसे ही लोग जुड़ते हैं हमारे भमासा डे बाई डे, इन एवरी डे आई एम ग्रेटिंग बेटर इन बेटर। सर ने हमारे ये कि जैसे मान लो हमारे आदमी जो होते हैं उनके सपेरा नहीं लगता, उनको वो सांपों को नचाते, तो हम लोग नाथ पंथ में हैं और कालबिलिया जो समाज है हमारा, कालबिलिया नहीं बोलते हम लोगों को, हम लोग नाथ हैं, गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं। तो हमारे जो मर्द लोग होते हैं उनके नाथ लगता है, और जो हमारी लड़कियाँ होती है, मैं सांप की जगह डांस करती हूँ। तो अमेरिका मुझे पूछा कि आपका सरनेम क्या है, तो मैंने पूछा कि मैंने कहा सरनेम हमारा होता नहीं है, पर मैं सांप की जगह डांस करती हूँ, तो मेरा नाम गुलाबी सपेरा कर दूँ। तो मैंने सपेरा, मैंने खुद ने अपने ढूंढा गुलाबी सपेरा। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत स्ट्रगलिंग रही, क्या था वो, कैसे स्ट्रगल? लंबी है स्टोरी बहुत। तो हमारे समाज में क्या पहले डांस नहीं होता था, और लड़कियों को भी जिंदा नहीं रखते थे, लड़कियों को होते ही ज़मीन में गाड़ देते थे, जिंदा ही मार देते थे। तो मैं भी उसी समाज की बेटी हूँ, मैं भी उसी समाज में जन्म लिया। तो मेरे से 3 पहले भाई थे, 3 बहनें थी, 7वां नंबर मेरा था। तो घर के मतलब परिवार के लोगों ने कहा कि भैया उनकी तो पहली 3 बेटियां हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि बेटी रखे ही नहीं, रख सकते हैं जिसको अच्छा लगे बेटी रख सकते थे, पर कई लोग बिल्कुल नहीं रखते थे। तो हमारे जो समाज की औरतें जिसने जन्माया तो वो ही ले जाके मेरे को ज़मीन में गाड़ दिया कि तो पहले बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो मेरे पापा को मम्मी को नहीं पूछा था, जैसे मैंने माँ को पता चला कि मेरी लड़की हुई उसको ले जाके जंगल में गाड़ दिया है, तो मेरी माँ मेरी मौसी से पूछा कि मेरे क्या हुआ था, बेटा या बेटी। तो मेरी मौसी ने कहा कि बेटी हुई थी पर उसको जंगल में गाड़ दिया है। तो बोले मेरे को वो जगह बता कहाँ गाड़ा है, मैं जाके उसको लेके आना चाहती हूँ। तो मेरे समाज
जो औरतें थी वो धमका के चली गई मेरी माँ को और कहा कि नहीं अब तुम नहीं ला सकते, वो लड़की मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है। पर मेरी माँ नहीं मानी, किसी का डर नहीं उसको लगा और वो जाके मेरी मौसी की सास से वो मुझे ज़मीन में से वापस निकाल के लेके आई और तो उसको मैं जिंदा मिली। तो ये मेरी माँ की कोशिश और उनकी जिद और उनका प्यार और उनका विश्वास जीता और आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ मेरी माँ की बदौलत। तो मैं हर माँ को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी ये ठान ले कि बेटा हो चाहे बेटी हो वो मेरा दिल का टुकड़ा है तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, सिर्फ माँ को सोचना है। आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जब आपको नवाजा गया कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी 40 सालों की मेहनत सफल हुई है और मैं मेरे समाज की पहला बेटी हूँ जिसने मैंने डांस स्टार्ट किया और आज समाज को मान सम्मान मिला। और जब मैं अमेरिका से वापस आई थी, मैं बाद में बताती हूँ वो चीज़, जब मैं अमेरिका से वापस आई थी 81 में मैंने स्टार्ट किया, 1981 में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 85 में अमेरिका गई। जब अमेरिका जाके वापस आई तब मान सम्मान मिला, समाज का नाम हुआ, तब जाके मेरे समाज वालों ने मुझे मान सम्मान दिया, समाज में लिया और कहा कि तेरे जैसी बेटी मेरे समाज में भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि तुम बेटियों को तो मार देते हो, कहाँ तुम्हारे बेटियाँ गुलाबों होगी तुम्हारे घर में। तो मेरे समाज के लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे चाहे कितनी बेटियाँ हो। तो मेरी पहला जीत हुई अमेरिका से वापस आने के बाद की बेटियों की जान बची और आज हमारे परिवार में हजारों बेटियाँ हैं, एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच बेटियाँ हैं, वो ही पैर को ससुराल को कमा के खिला रही है। तो अब ये डांस पूरा समाज में मान्यता मिली, पूरे भारत में मिली, पूरे देश प्रदेश में मिली और आज देखो इस कला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में मुझे पद्मश्री मिली। तो भारत सरकार की तरफ से इतना बड़ा सम्मान मिला कि मुझे एक कदम बढ़ने का और मौका मिला और मेरे समाज में और ज़्यादा मेरा नाम हुआ। वो समझते नहीं कि पद्मश्री क्या होती है, लेकिन अब वो बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लगे, नई पीढ़ी को ये पता कि पद्मश्री क्या होती है। तो मेरे को बहुत मान सम्मान मिलता है, समाज के लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत देवी मानते हैं मुझे और ये कहते हैं गुलाबो आप इतनी बड़ी मतलब एक भारत सरकार की पद्मश्री लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पहला न्यूज़ मिली थी सुबह 8 बजे फ़ोन आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी से मैंने शेयर किया फिर मेरे बच्चों के साथ। तो अच्छा लगता है कि अपने कुछ तो इतना अच्छा किया है जिससे आज भारत सरकार ने हमें पद्मश्री देके सम्मानित किया।